अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सो हियर आई एम अगेन। छोटा सा एक पॉइंट माइंड में आया तो सोचा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। ये मेरी शॉर्ट वीडियो उन कपल्स के लिए हैं जो प्रेगनेंसी के ख्वाहिशमंद हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी होना अल्लाह ताला की बेहद नेमत और रहमत की निशानियों में से है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उन सब लोगों को जो तमाम ख्वातीन हामला हो जाती हैं। हमारे यहाँ मुआशरे में आजकल बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी या बांझपन बढ़ता जा रहा है। बहुत सी रीज़न्स हैं, इस वक्त हम रीज़न्स में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला का करम हो सके। सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अपना वेट मेंटेन करें फीमेल्स, और अपनी डाइट अच्छी रखें। अब एक आइडियल वेट क्या होना चाहिए? यूजुअली हमारी हमारे सोसाइटी के अंदर जो हाइट है लड़कियों की, वो 5 फुट से लेके 5 फुट 6 इंच तक औसतन है। अब इस हाइट की लड़कियों का जो वज़न है तकरीबन वो 60 kg to 65 kg मैक्सिमम तक होना चाहिए। जितना ज़्यादा वज़न होगा उतना बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स हैं उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देते। डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेगनेंसी नहीं हो, लेकिन उनके कुछ ऐसे असरात अंडेदानियों पे होते हैं कि अंडेदानियों से अच्छे एग्स नहीं बन पाते। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज इंतहाई ज़रूरी है। जस्ट वॉच योर वेट, एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये नहीं कि डेली, हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट एंड दैट इज़ इट। चाहे आप वॉक कर लीजिए, चाहे कमरे में म्यूज़िक लगा के कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, जिनके घर ट्रेडमिल की सहूलत मौजूद है ट्रेडमिल कर लीजिए। ऐसी एक्सरसाइज आपने इतनी करनी है कि थोड़ा आपको सांस चढ़े और दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। तो नंबर वन तो ये चीज़ हो गई। जिनका वज़न ज़्यादा है थोड़ी सी बात उनके लिए कर लेते हैं, क्योंकि ओबेसिटी या मोटापा बेहद कॉमन है। अब उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? नंबर वन, खाना, खाने की मकदार। ये नहीं कि खाना आपने स्किप करना है, खाना लीजिए शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, और उसमें अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। यानी कि सुबह के वक्त आपने अंडा आप ज़रूर लीजिए, और ब्रेड ब्रैन ब्रेड कर लीजिए, अगर जौ का दलिया ले लें और भी अच्छा है। पानी का इस्तेमाल 2 ग्लास सुबह उठ के निहार मुँह ज़रूर लीजिए। इसके अलावा छोटी सी टिप है कि अगर आप निहार मुँह थोड़ी सी दालचीनी, 1 इंच के करीब दालचीनी ले लीजिए, उसको एक ग्लास में डाल लीजिए और उबलता हुआ पानी उस ग्लास में डाल दें। उसको आपने दम पे लगा दीजिए 10 से 15 मिनट और फिर वो निहार मुँह गर्म पानी लीजिए, तो इसके बेहद फ़ायदे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर हैं, जो कि आपके जिस्म में ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं जो कि एजिंग भी करते हैं और वेट को बढ़ाते हैं और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, उसको कम करेगा, इससे भी वज़न कम होता है। सेकेंडली, कलौंजी का इस्तेमाल। ये तो आपको पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके इस्तेमाल के ऊपर, और ये तिब नबवी है, और इस कलौंजी में बेहद बीमारियों से शिफा है। निहार मुँह कलौंजी फ्यू कुछ दाने ले लीजिए, वो भी आप निहार मुँह लीजिए। सो नाश्ते के अंदर आपने अंडा ज़रूर लें, पराठों से अवॉइड करें, तली हुई चीज़ों से अवॉइड कीजिए। 2 ग्लास पानी ज़रूर लें। फिर 11 बजे 12 बजे करीब कोई एक फ्रूट ले लीजिए या स्मूदी बना के ले लीजिए। स्मूदी से मुराद ये कि सपोज़ आप एक अदद सेब ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा आपने दूध डाल लीजिए, एक अदद आप उसके अंदर खजूर डाल लीजिए विदाउट शुगर, ब्लेंड करें और इसे पी लें, ठीक ठाक पेट भर जाता है। दोपहर के वक्त रोटी और चावल इनको अवॉइड कीजिए, और अगर लेना चाहें तो कबाब ले लीजिए। प्रोटीन्स किसी फॉर्म में आप चिकन को मैरिनेट करके रख लीजिए, टिक्के की फॉर्म में, या स्टीम चिकन लीजिए। इवनिंग में अगेन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, शाम को वॉक कोशिश करके ज़रूर कीजिए, और रात को अपने हल्का डिनर, और कोशिश करने हैं कि डिनर टाइम से पहले करें, यानी कि अगर बिटवीन 7 to 8 o'clock आपका डिनर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आपने पानी आपने लेना है। बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मीठा भी कम करना होगा, जिसमें चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, और सॉफ्ट ड्रिंक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक्स को डाइट से निकालना होगा। इन तमाम चीज़ों से भी वेट रिडक्शन होती है। अब एक तो आपने वेट को हमने कहा,
मैनेज करना है, और सेकेंडली कुछ अद्वियात जो कि आपने रूटीन में शामिल करनी है, जिस तरह फॉलिक एसिड है। अब फॉलिक एसिड ऐसी चीज़ है जो कि हेल्दी प्रेगनेंसीज़ के अंदर, और अगर प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले ही ले लेना चाहिए, आपके अच्छे अंडे भी बने, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला आप बच्चों को एबनॉर्मेलिटी से बचाता है। तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहती हूँ जहेज में शामिल कर देना चाहिए फॉलिक एसिड को, इतना मिरेकल ड्रग है। साथ में जैसा मैंने कहा, वॉक, एक्सरसाइज, खाने का तनासुब कम, पोर्शन कंट्रोल, ये चीज़ें आपने करनी हैं। फिर कुछ दिन हैं जो कि आपको ख़ास दिन हैं जो कि आपने अपने हस्बैंड के साथ यूज़ करने हैं, जिन जो शुरू के पीरियड्स के दिन होते हैं, उसके बाद 3-4 दिन ऐसे होते हैं पीरियड्स के फौरन बाद जिनमें एग्स बनना शुरू होते हैं, और एग्स के बनने के जो पीक डेज होते हैं वो पीरियड्स के या महावारी के पहले दिन को पहला रखते हुए 12वें से 13वें दिन एग्स बनना शुरू हो जाते हैं। 14वें 15वें दिन बेहतरीन एग्स बनते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका साइज़ भी कम होना शुरू होता है, टूटना शुरू हो जाते हैं। सो जो बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, वो इन बिटवीन द 2 पीरियड्स, यानी कि पहले दिन को पहला रखते हुए 12वें से 18वें दिन ऐसे दिन हैं जिनमें आप हस्बैंड से आप मिल सकती हैं, और इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी दिनों में नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये अवेल करने का है। इसके अलावा विटामिन्स हैं, विटामिन B12 अपनी बॉडी में अपने शामिल अपने कीजिए, अपने खाने के अंदर आपका होना चाहिए। मल्टी विटामिन्स, किसी भी फॉर्म की मल्टी विटामिन्स ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन की गोलियां भी मिलती हैं खाने के लिए, और आप उसकी कमी को वैसे भी पूरा कर सकते हैं खजूर खा के, इंजीर खा के, पिस्ते लेके, और प्रोटीन्स, और जिस तरह हमारा जो गोश्त है इससे भी आपकी आयरन की कमी पूरी हो सकती है। सो दीज आर द टिप्स। थोड़ी बहुत जो है अपनी नशोनिमा उसके अंदर वो बेहतरीन कीजिए। सेकेंडली, वो बच्चियाँ जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट होने से पहले उनका ब्लड प्रेशर और शुगर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड हो। अब रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाएं? ऐसा नहीं है कि खुदा ना खासा हर मरीज़ के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं, और बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, एंड एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि शुगर के मरीज़ों में बहुत देखा जाता है। इसी तरह दवाइयाँ लेने का तनासुब भी कम हो जाता है। अगर आपका हमल होने से पहले के 3 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर या शुगर बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है तो प्रेगनेंसी हेल्दी बढ़ती है और कम दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होता, शुगर भी कंट्रोल नहीं होती, मिसकैरेजेस के चांसेस, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाना, पानी के, बच्चे के पानी के मसाइल, ये सारे मसले सामने आना शुरू हो जाते हैं। सोडियम का इस्तेमाल यानी कि सॉल्ट का इस्तेमाल हर एक को कम करना चाहिए, फॉर ऑब्वियस रीजंस, आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा और वैसे भी आपकी जनरल हेल्थ अच्छी रहेगी। दीज आर द थिंग्स, अल्लाह ताला का करम हो और आपकी डाइट भी अच्छी हो, एंड विद रेगुलर वॉक, और जब इस मैंने आपका कहा कि कलौंजी का इस्तेमाल कीजिए, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड जिनको कहते हैं, ये इस्तेमाल कीजिए, दालचीनी सुबह निहार मुँह लीजिए, और चिया सीड्स, तुख मलंगा जिसे कहते हैं, तासीर भी इसकी बहुत ठंडी है, और ये भी अगर आप 1 टीस्पून रात को भिगो के रखते हैं, 1 to 2 टीस्पून कर लीजिए, रात को भिगो के रखते हैं और सुबह वो पानी पिए, तो आपका पेट ठीक ठाक फुल हो जाता है और भूख भी कम लगती है। तो बेहतरीन तनासुब के साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो इंशाअल्लाह ताला अपना करम और रहमत ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।